सो लेट्स गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के वाई 15 डिवाइस के अंदर आप कॉल रिकॉर्ड सेटिंग्स का यूज कैसे कर सकते हैं। कॉल रिकॉर्ड सेटिंग्स आप वीवो के वाई 15 में कर सकते हैं एंड 15s डिवाइस में भी कर सकते हैं। हालांकि 15s जो है ये न्यू फोन है, इसके अंदर एंड्रॉयड 11 रन कर रहा है, तो इसकी सेटिंग्स होती है वो डिफरेंट मिलती है आपको देखने को। तो अगर आपको इसके फोन में करना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं जिसमें वीवो के वाई 21 में ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में उन्होंने बताया है। तो अप्रोस आपको सेम सेटिंग्स वीवो के वाई 15s में भी मिलेगी, तो जाके आप देख के कर सकते हैं इजीली। हालांकि आज की वीडियो हम बात करेंगे कि वाई 15 में आपको कैसे करनी है। वाई 15 2019 का मॉडल है और ये थोड़ा सा ओल्ड है और इसके अंदर अभी भी 9 का अपडेट है। और आप जो है इसके अंदर कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए जस्ट आपको सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर, इसको एक बार क्लिक करिए। हमारे पास इस तरह से इंटरफेस आएगा, हमें क्या करना है स्क्रॉल डाउन करके आपको सबसे नीचे आना होगा। एक ऑप्शन मिलेगा आपको एप्लीकेशंस एंड परमिशंस का, इस सेटिंग्स को आपको क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास चार ऑप्शंस आएंगे जिसमें आपको लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना होगा सिस्टम ऐप सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करेंगे। अगेन हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन चूज करना है कॉल सेटिंग्स का। आप चाहें तो इसे इजीली सर्च भी कर सकते हैं कॉल सेटिंग्स अपने सर्च बार में, तो आप इस वाले सेटिंग्स पे आ जाएंगे जहां आप इसको एक बार सिंगल क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो कॉल के सारे ऑलमोस्ट सेटिंग्स आपको मिल जाते हैं। एक सेटिंग्स आपको मिलती है रिकॉर्ड सेटिंग्स, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैनुअली हमें तीन ऑप्शन दिए जाते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर अबाउट कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके इसके बारे में रीड कर सकते हैं कौन कौन से स्टेप से हमें रिकॉर्ड करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। इसकी भी प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह है, आप यूज़र जो भी यूज़र है उसको अच्छी तरीके से पढ़ के इसके बाद यहाँ कॉल को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर सकता है। अगर आप देखेंगे तो कॉल ऑल रिकॉर्ड्स का ऑप्शन हमारे पास सेलेक्टेड है, दैट मीन्स कि रिकॉर्ड ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली, ये वाला ऑप्शन सेलेक्टेड है। जब भी हम किसी को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक वो कॉल को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। बिकॉज अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमारे पास डोंट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली का ऑप्शन है। अगर आपको किसी की कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड नहीं करनी है, आप उसको रिकॉर्ड पर लगाना चाहते हैं, तो आप ऐसे केस में आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑटोमेटिक रिकॉर्ड करनी है तो आप यहाँ सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नंबर की कॉल रिकॉर्ड करनी है वो भी ऑटोमेटिक, तो अब यहाँ पर आपको रिकॉर्ड कस्टम कॉल्स ऑटोमेटिकली पे क्लिक करना है, जिसमें आप कस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको नंबर सेलेक्ट करना है, जिस भी नंबर की कॉल को रिकॉर्ड करना है, इसके बाद सेलेक्ट करके डन कर देना है, आपके उस पर्टिकुलर नंबर की कॉल ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होती रहेगी। हालांकि मैं ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिक वाला हम क्लिक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर डायल करेंगे, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक नंबर डायल करा है, इसको यहाँ से करके कॉल कर देंगे। अभी आप देखेंगे रिकॉर्ड फोन है और ये रिकॉर्डिंग चल भी रही है, मैंने यहाँ पर कोई भी चीज नहीं करी। आप चाहे तो इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं, साथ में मिलेगा 3 GB और 48 GB। हम इसको क्या करते हैं, कट करते हैं और मैं दिखाता हूँ। क्रॉस हमने 9 सेकंड के ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर ली है। ये जो रिकॉर्डिंग होती है हमें फाइल मैनेजर में जाना होगा इसके लिए, और इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे स्टोरेज सेटिंग्स के अंदर, जिसमें रिकॉर्ड सेटिंग्स का एक फोल्डर मिलता है, हमें सिंपली इसको ओपन करना है। तो जस्ट हमें ये कॉल्स वाले ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फोर कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं और सभी के सभी हमारे 1-to-1 के कॉल्स हैं, और इनको हम डेट में दिखाते हैं आपको कि जो हमने पहली कॉल करी थी 7:25 पर करी थी, अभी 32 हो रहा है। तो अप्रोस ये दोनों कॉल जो नीचे वाली है ये जो है 7:31 की है, तो अभी 31-32 हो रहा है, तो यही हमारी कॉल्स है जो हमने अभी रिसेंटली रिकॉर्ड करी थी। तो ऐसे ही आप चेकआउट भी कर सकते हो कि कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ पर जाती है, और इजीली आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। आई होप गाइस आप कॉल रिकॉर्डिंग के सारे ऑप्शन समझे होंगे। फिर भी अगर आपके मन में इसके रिकॉर्डिंग कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।